आप सह मीडिया प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर दी कार्यकारिणी की घोषणा। जी हां, आपको बताते चले कि आप मीडिया सह प्रभारी द्वारा प्रेस वार्ता कर प्रदेश कार्यालय देहरादून में 51 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। साथ ही महिला मोर्चा की स्थापना कर पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। साथ ही तमाम प्रकोष्ठ में भी अनेक जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें पूर्वांचल प्रकोष्ठ, अनुसूचित जनजाति आदि प्रकोष्ठ शामिल है। सह मीडिया प्रभारी द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए कहा गया कि हम संगठन का विस्तार कर पार्टी विचारधारा के साथ लोगों के बीच जाएंगे, पार्टी के विजन को राज्य के प्रत्येक घर तक पहुंचाएंगे। कार्यकारिणी में महिलाओं के कम संख्या में सम्मिलित करने के जवाब में सह मीडिया प्रभारी द्वारा कहा गया कि यह कार्यकारिणी का प्रथम विस्तार किया गया है। समय समय के साथ आगे भी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को देखते हुए उनके आधार पर आगे भी कार्यकारिणी में विस्तार होता रहेगा। सह मीडिया प्रभारी द्वारा नव नियुक्त पदाधिकारियों से अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क करने और पार्टी के विस्तार में अपना श्रेष्ठ देने का आह्वान किया गया। वहीं महिला मोर्चा में डिंपल सिंह, रुक्मा अग्रवाल, रुचि धस्माना, हेमा भंडारी को प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा तथा कमला थापा, सीमा कश्यप को प्रदेश सह सचिव महिला मोर्चा के पद पर नियुक्त किया गया। चयनित सभी महिलाओं ने पार्टी पदाधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए एक साथ एकजुट होकर पार्टी हित में काम कर पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वहीं पछवादून विकास नगर विधानसभा से नव नियुक्त उपाध्यक्ष महिला मोर्चा आप नेत्री डिंपल सिंह ने कहा कि जो सम्मान महिलाओं को आम आदमी पार्टी में मिला है वो किसी अन्य दल में नहीं है, और आज पार्टी द्वारा हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है हम हर संभव उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे और 2022 में आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में लाने हेतु पूरी ताकत से काम करेंगे। डिंपल सिंह ने साथ महिलाओं के साथ मिलकर कार्य करने और सभी महिलाओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और हम उनके बीच जाकर उनके विश्वास को हासिल करेंगे। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जानते हैं पदाधिकारियों की प्रक्रिया। कैमरामैन रमेश नेगी के साथ संवाददाता दीवान नौटियाल की रिपोर्ट, देहरादून उत्तराखंड। प्रथम सूची कार्यकारिणी की अनाउंस हुई है। मैंने बताया कि इसके बाद भी कार्यकारिणी का विस्तार होगा और आज भी जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसमें सुधा पटवाल जी, मीना बिश्वास जी और अन्य महिलाओं को स्थान दिया गया है। आने वाले समय में जब कार्यकारिणी विस्तार होगी और भी महिलाओं को उसमें स्थान दिया जाएगा। सुंदर लाल बहुगुणा जी सिर्फ इस प्रदेश की नहीं भारतीय राजनीति के एक स्तंभ पुरुष रहे हैं। हम लोग बचपन से उनके बारे में पढ़ते हुए बड़े हुए। आज एक ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में वो सम्मान मिला, जबकि सबसे पहले ये कदम उत्तराखंड सरकार को उठाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों को मुख्यमंत्री बदलने से ही फुर्सत नहीं है। वो कहाँ से प्रदेश की जनता का और प्रदेश के महान पुरुषों का सम्मान करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूँगा हर चीज़ को। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको भारत रत्न देने की मांग की और उसके ऊपर ओछी राजनीति करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता ने इस प्रदेश के और इस देश के महान सुपुत्र सुंदरलाल बहुगुणा जी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, पूरा प्रदेश उस बात के लिए आक्रोशित है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति दूसरे प्रदेश से अलग होती है। हर प्रदेश की अपनी कुछ समस्याएं, कुछ अपने चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन जब तक आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति रहेगी, लोगों के लिए काम करवाने का आपका मन रहेगा, आप हर परिस्थिति में लोगों के काम करवा सकते हैं। दिल्ली में भी अपने चैलेंजेस थे जब पहली बार सरकार बनी, उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं दिल्ली में एक सफल केजरीवाल मॉडल स्थापित हो चुका है और यहाँ की लोकल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से बदलाव करते हुए एक अच्छा केजरीवाल मॉडल हम लोग उत्तराखंड में भी लोगों के सामने रखेंगे। मुझे तो लगता नहीं है अब बीजेपी इस मामले में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो 56-57 मुख्य विधायक हैं इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले सबको एक एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर भी मिल जाए। तो अभी युवा नेतृत्व, वृद्ध नेतृत्व, पता नहीं है आपको कि अगले महीने कौन मुख्यमंत्री होगा। नंबर के साथ 50 प्लस की सीटों के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाई। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। और दूसरा ये कि हमें इस समय ये नहीं देखना है कि हम किस पद पर आसीन है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमें 2022 को फतेह करना है और सबको मिलकर करना है। तो मैं बिल्कुल पद से संतुष्ट हूँ और मैं ये कहना चाहूंगी जितनी भी हमारी महिला शक्ति है सब मिलजुल कर काम करें। उत्तराखंड में महिलाओं की स्थिति बहुत बदहाल हो चुकी है और राजनीति में महिलाओं के आने से जो सकारात्मक बदलाव होते हैं वो हमेशा देखने को मिलते हैं। जब भी महिलाओं ने राजनीति में कदम रखा, कुछ किया है, तो उसका हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो सभी महिलाओं से मेरा यही विनम्र निवेदन है, जिन जिनको पद मिला है सभी को बधाई है, सब अपनी कर्मभूमि में बहुत अच्छे से काम करें और एक प्रतिद्वंदी हमारे सामने होंगे, लेकिन जनता की जो ताकत है उसके सामने वो कौन साबित हो जाते हैं जब वो जनता के अनुरूप काम नहीं कर पाते, जिस वजह से जनता उनको चुनती है शासन में लाके पूर्ण बहुमत सरकार होने के बावजूद भी
अधूरी समस्या हमारी सरकार हमारे के बाद देखिए ना क्या हाल है, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। तो मुझे यही लगता है जनता की भी यही इच्छा है कि हम उन तक पहुंचे और जनता हमारा साथ देगी। और जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने कहा 50+ हम सीट लेकर आएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक रहेगी। मेरी निगाहें तो इस बात पर रहेगी कि सबसे पहले हम सब मिलजुल कर सरकार बनाएं। पद किसको मिलता है हम सब में से वो एक खुशी का विषय होगा, वहाँ पे हमारा कोई आपस में कॉम्पिटिशन नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर कि जो भी पद होगा, जो अध्यक्ष का पद भी छूटा हुआ, हम सब महिलाओं जो भी अच्छा काम करेगी उसके अनुरूप पद को दिया जाएगा।